श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की ये वो व्यस्त सड़क है जहां पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अलावा डीजल और पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की कतारें दिखाई देती थी। यहां के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। इस सड़क पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली इक्का दुक्का गाड़ियां ही इधर से उधर दौड़ती दिखाई देती हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली इन गाड़ियों की जगह अब साइकिल ने ले ली है और लोग अपनी साइकिलें इन सड़कों पर दौड़ाते हुए आपको दिख जाएंगे। श्रीलंका में जारी राजनीतिक उथल पुथल और बदतर आर्थिक स्थिति का असर यहाँ की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा और विभिन्न कारणों से वो चरमरा कर रह गई है। यहाँ की जनता ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर पा रही है और ना ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, लिहाजा वो साइकिल के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। साइकिल की दुकानों पर साइकिल खरीदने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यातायात का यही एक ऐसा साधन श्रीलंका में बचा है जिसका खर्च ही अब यहाँ के लोग वहन कर सकते हैं। यही वजह है कि श्रीलंका में अचानक से साइकिल की बिक्री में उछाल आ गया है। या तो नई साइकिल खरीद रहे हैं या फिर अपनी पुरानी साइकिलों की मरम्मत के लिए उसके पुर्जे खरीदने के लिए साइकिल शॉप का रुख कर रहे हैं। श्रीलंका के लोगों का साइकिल की तरफ बढ़ता रुझान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई है। श्रीलंका में कुछ ही खास जगह हैं जहाँ पेट्रोल और डीजल मिल पा रहा है और उसके दाम में भी काफी तेजी आ गई है, लेकिन इस सबसे बढ़कर एक बात और भी है कि पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं और अपनी बारी आने का उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। बहरहाल लोगों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी को चलाना भी है, लिहाजा श्रीलंका के लोगों ने इसका हल कुछ इस तरह से निकाला है कि अब वो साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की अनिश्चितता के दौर से अभी श्रीलंका गुजर रहा है उसमें यहाँ के लोगों को अपने देश के हालात जल्द पटरी पर आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि वो साइकिल के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं।